हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं MCS 014 के बारे में, जो कि थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। काफ़ी रिक्वेस्ट इस वीडियो के लिए आ रहे थे और DBMS की भी वीडियोज आएंगी कल। और इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं ना कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व, नोट्स और जो क्वेश्चंस पेपर सॉल्व होंगे, कुछ हो सकते हैं इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स, और कुछ आते रहेंगे यू नो, एग्ज़ाम्स के पहले तक सारे आ जाएंगे। दैट्स वाई इस वीडियो को मैंने बनाया है। और आप सबके रिक्वेस्ट पर प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी और भी अपडेट्स या और भी सब्जेक्ट्स के क्वेरीज हैं या कुछ भी, आप नीचे कमेंट करें कि आपको और कौन से सब्जेक्ट के ऐसे टारगेट बैच टाइप्स वीडियोस चाहिए, यू नो, एक वीडियोस में सारे नोट्स अवेलेबल। सो मैं आज इस वीडियो में वही करने वाली हूँ, तो देखते हैं इस वीडियो में एंड बने रहे, बिना स्किप किए सारे वीडियोस को देखना, कि पूरे अंत तक देखना एंड वीडियोस को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब यू मीन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम अपने स्क्रीन पे आ गए हैं और इस PDF को देखते हैं। इस PDF में मैंने यहाँ बता रखा है कि किस यूनिट में कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चंस के आंसर आपको 2 दिन के अंदर इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो सो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में कुछ ये क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम इन ब्रीफ एंड एक्सप्लेन रियल टाइम सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, यू नो। और ये पता है, इकोनॉमिक्स हमारा जो पहले इको का बुक था, उससे कुछ कनेक्टेड ये है, तो उसको आप, इसको भी आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन, यू नो, और ये बहुत सारे बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं और मैं इसके आंसर्स ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। 2 दिन का वेट करना पड़ेगा क्योंकि बाकी सेमेस्टर के भी वीडियोस आ रहे हैं, तो उनके लिए भी देखना होता है और मेरी खुद की भी स्टडीज़ हैं, ठीक है। तो 2 दिन एक्चुअली वो सॉल्व हो पड़ा है, बट PDF बनाना बाकी है। ओके, तो वो जैसे ही बन जाता है, आज रात को हो जाता है तो आज रात को अपलोड हो जाएगा, दिन में हो जाता है कल तो कल दिन में हो जाएगा, बट कल रात तक अपलोड हो जाएगा। ओके, सो ये यूनिट 2 में है आपके क्वेश्चंस। मैंने अब पेज नंबर भी नोट कर रखा है कि आपको आंसर्स अगर मैं नहीं दे पाती हूँ किसी वजह से, और आप चाहते हो कि आप अपने से आंसर्स ढूंढ पाओ, क्या पता मैं पूरा भी दे पाऊँ या नहीं पाऊँ, बट मैं कोशिश करूँगी पूरा देने की स्टिल, और इसलिए मैंने पेज नंबर भी लिख दिया है कि आप लोग खुद से भी अपने ट्राई कर सकते हो आंसर्स को, यू नो, और देख सकते हो आप। यूनिट 3 में भी इतना क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंस फेज एंड SDLS, फिर आल्सो एक्सप्लेन द नीड SDSL फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम, यू नो, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दे रखा है, तो आप जो भी है आप देख लो, ठीक है। यूनिट 5 में क्वेश्चंस हैं, और ये MCS 014 के वीडियो है, और भी थर्ड सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के, फर्स्ट के सारे के वीडियो आएंगे सारे सेमेस्टर्स के। सो आप मेरे को कमेंट करो, मेरे को जिस वीडियो और जिस कोर्सेज एंड जिस सेमेस्टर के ज़्यादा वीडियोस लाने के लिए कहा जाएगा, मैं वही ला पाऊँगी, क्योंकि अगर मैंने इधर अपने मन से डालना शुरू कर दिया तो फिर कुछ लोग देखेंगे कुछ नहीं देखेंगे, है ना। इसलिए जो डिमांडिंग वीडियोस होंगी वही मैं लाऊंगी, तो आप कमेंट करके बताते रहो आपको कौन से कोर्सेज चाहिए और कौन से सेमेस्टर्स किस चाहिए, तो मैं ज़रूर अपलोड करूंगी वीडियो। यूनिट 10 में क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ केस टूल, ये 40 पेज नंबर में मिल जाएगा आपको। यूनिट 2 है, ब्लॉक 2 में है, ठीक है। तो और भी सारे क्वेश्चन, और ये इसके PDF भी मैंने लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एंड, ठीक है, और एक डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते हैं, ईयर डायग्राम टाइप्स। सो उस क्वेश्चंस को मैं चाहती हूँ कि करवाऊँ। ओके, तो मैं क्या करती हूँ ना कि इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं उसको एक्सप्लेन करते हुए MCS 014 के जो 3-4 क्वेश्चन है जिसको डायग्राम से रिलेटेड है, मैं SDR कुछ इस टाइप में, तो वो मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाऊँ, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें,
बिना लाइक किए हुए जाना, बिना स्किप किए वीडियो को देखना नहीं है। एक्चुअली आई एम सॉरी फॉर द, क्योंकि मैं ये लास्ट में बोल रही हूँ स्किप नहीं करना, बट आप स्किप मत करना। आई नो थैंक्स फॉर, पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था। प्लीज़ आप, बहुत लोग कहते हैं कि आपके वीडियोज़ में व्यूज़ होते हैं बट लाइक्स नहीं होते, तो प्लीज़ आप वीडियोज़ को लाइक करो ताकि और भी स्टूडेंट मोटिवेटेड हों, उनको लगे कि हाँ मेरे कॉन्टेंट में कुछ है। ठीक है, सो स्टे सेफ स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।